आए आए मिलते हैं यूसुफ साहब से। जी सलाम अलैकुम यूसुफ। वालेकुम सलाम खावर, कैसे हैं आप? ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब ऑनर की बात है कि मैं जिस जगह पे जाकर शूटिंग्स करता रहा हूँ और आज वो पर्सनैलिटी मेरे सामने बैठी हुई है जिसके साथ एक पूरी तारीख जुड़ी हुई है, पूरा लाहौर का विरसा उसके साथ जुड़ा हुआ है। मुझे आप ये बताएं कुछ अपनी जो इनिशियल लाइफ है उसके बारे में कुछ बताएं मुझे। मैं अब अंदरूने शहर में अपनी हवेली में, यहीं मेरी पैदाइश हुई 1951 में। वैसे ऑफिशियली मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 53 लिखी। अच्छा। अब उस ज़माने में मेरे ख्याल जो वालदैन थे वो समझते थे कि हो सकता है कि जब बड़ा होगा तो सी एस एस का इम्तहान दे ले, तो उसमें एज का वो होता है यू नो कि कुछ एक होता है बैरियर, तो उसमें दो साल आपको मूमन उस ज़माने में लोग ये जरूर करते थे कि एज को एक दो साल कम लिखवा देते थे। तो कुछ साल हम मुझे याद है कि हम वहाँ रहे। फिर जब मैं कोई तकरीबन कोई 5-6 साल का था तो कुछ अरसे के लिए मेरे वालदैन जो थे अलामा इकबाल साहब के घर, क्योंकि वो घर खाली था तो वहाँ वो शिफ्ट कर गए हमें लेके, क्योंकि डॉक्टर जावेद इकबाल साहब बाहर पढ़ने गए हुए थे इंग्लैंड। तो वहाँ हम फिर कोई 11 साल की उम्र तक हम वहाँ रहे, और फिर जब मेरे दादा ने गुलबर्ग में घर बनाया तो फिर वहीं से हम उधर आ गए। तो आपकी जो एजुकेशन? एजुकेशन मेरी शुरू से अपना किंडरगार्टन से लेके और एफए तक है जसन कॉलेज में, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज में। आपकी हवेली 300 साल पुरानी है या शायद इससे भी पुरानी, इसकी स्टोरी क्या है? लोग बड़े इस मिस्ट्री को एक्सपोज करना चाहते हैं। अब इसकी कोई मिस्ट्री नहीं है, ये घर जो है ये तकरीबन 300 साल से ज़्यादा पुराना है। हमारी फैमिली में कोई 175 साल से एक बार है हमारे। अच्छा। पास उससे पहले इट केम इन टू प्रोमिनेंस, क्योंकि ये जो बाज़ार है इसका नाम है बाज़ार बरूद खाना, और इसी हवेली के नाम पे इसका बाजार का नाम दिया। क्योंकि ये जो घर था ये लाहौर के कोर कमांडर का घर था, उस जर्नैल का घर था जो उसका मोस्ट ट्रस्टेड जर्नैल था रंजीत सिंह का, और उसके नीचे तमाम जो असला खाना था या बारूद खाना था, इसीलिए इसका नाम हवेली बारूद खाना है। और हमने भी, हमारी फैमिली ने भी इस यही नाम उसको चेंज नहीं किया, बल्कि टिल टुडे इट इज़ नोन एज हवेली बारूद खाना। और शहर में भी लोग जो पुराने शहर वाले वो हमें इसी तरह जानते थे कि हवेली बारूद खाने वाले, क्योंकि हमारी फैमिली भी कश्मीर से यू नो इट मूव फ्रॉम कश्मीर फर्स्ट टू सियालकोट एंड देन टू लाहौर। तो सिखों के ज़माने में ये प्रोमिनेंस में आई, और इसमें जो शहर को, लाहौर के शहर को डिफेंड करने का जो तमाम असला और बारूद था वो इसी के अंदर स्टॉक था। फिर उसके बाद जब हुकूमत ख़त्म हो गई सिखों की, तो उसके बाद ये हमारे बुज़ुर्गों ने इसको ख़रीद लिया, और इसको ख़रीद के और इसको कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए, जो ऑफिस था और जो रेजिडेंशियल एरिया था उसको मिला के तो एक पूरे एरिए को एक जनान खाना बना दिया गया, और इसके जो सड़क के ऑपोजिट एक और हवेली थी जो इसी का ही हिस्सा थी वो मर। तो आपको लगता नहीं कि आपने एक सफ़ेद हाथी पाला हुआ है जिसकी मेंटेनेंस जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है आपके साथ चलता रहता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं उसको सफ़ेद हाथी नहीं, उसको तो मेंटेनेंस में बहुत खर्चा आ जाता होगा। नहीं, मेरे को इतना ज़्यादा भी खर्चा नहीं, शौक इतना ज़्यादा है कि वो अब इतना ज़्यादा भी कोई जो आस्ता आस्ता इसी ओवर द ईयर्स आप देखें, मैं 1987 में यहाँ मूव किया और अभी तक उसकी आस्ता आस्ता जो चीज़ें हैं ठीक, कुछ ठीक होने वाली हैं, काफ़ी सारी आई थिंक ऑलमोस्ट 90% उसकी हो गई है। 10% रहती है कि जहाँ अभी कुछ एक दो चार कमरे हैं कि जिनको मैंने डू अप करना है और कुछ और चीज़ें ठीक करनी है, तो ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अच्छा, आप क्या समझते हैं लाहौर की जो एक ख़ास बात थी, मतलब होनी चाहिए, वो बसंत थी, और आपकी हवेली में तो इतना कोई हल्ला गुला लग जाता था कि लोगों की हर एक की ख्वाहिश होती थी कि बस मैं उस हवेली में एक दफा बसंत जाके देख लूं। मैंने कभी खबर रोका भी नहीं किसी को, और आपने कभी रोका भी नहीं, और मैंने कभी अब ये सब कुछ बंद हो गया तो आपको क्या क्या फीलिंग होती है इससे? बड़ा मुझे दुख होता है, क्योंकि देखें बसंत, कई दफा मैं सोचता हूँ कि मैंने बसंत को क्यों आते होते थे, क्योंकि देखें इसको कोई भी हुक्मरान या हुकूमत में इतनी अकल नहीं है या सेंस नहीं है कि इस फेस्टिवल को समझे। ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन सकता है, ऐसा कोई फेस्टिवल दुनिया में बताओ कोई है कि जहाँ एक दो दिन तमाम शहर जो है अपनी छतों पे खड़े होकर ढोल बजा के खाने खा के एक जो एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करते हो अबव यू नो ऑन द रूफ टॉप्स, ये दुनिया में ऐसा कोई फेस्टिवल ही नहीं है। ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्स, कोई दुनिया में किसी मुल्क में और आई टेल यू नहीं, तो जो ये फेस्टिवल होता
अभी तक उन्होंने इस फेस्टिवल को वो बना देना था, यू नो, कि जो ब्राजील ने वो मार्डिग्रा, तो मार्डिग्रा बना दिया आज, यू नो, ये हिंदुस्तान जैसा तो मुल्क जहाँ पसंद था, हालांकि हम लोग तो कहीं हमारे उलमा जो है वो कहते हैं कि जी हिंदुओं वाला फेस्टिवल है, वहाँ कोई पसंद है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई पसंद, जो एक लाहौरी पसंद होती है बात ही कुछ और है। अब अल्लाह का शुक्र इतना है कि चाहे पंजाब हुकूमत बैन लगा दे या जो मर्जी करे, उनका भी अनफॉर्चुनेटली बैन जो है वो लाहौर तक ही होता है, लाहौर के अलावा हर जगह कसूर में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, क्योंकि ये चीज़ अब जो है ना ज़्यादा आगे निकल गई। अगर बहुत सी औरतें मिलके हमारे चीफ मिनिस्टर पर पहुंच जाएं कि हमारा बच्चा मारा गया, उसका गला चीरा गया, ये हो गया वो हो गया, तो इसके अलावा फिर क्या हल है? मुझे ये बताएं कि हर साल जो बीचेस हैं ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ शार्क के से कितने लोग मर जाते हैं, 100-200 लोग, क्या उन्होंने स्विमिंग बंद करा दी है? इस तरह नहीं करते आप, प्रोटेक्शन करते हैं आप उसको सेफ बनाएं आप, यू शुड मेक श्योर कि ये जो डोर है ये डोर मार्केट में मत आए जिससे गले कटते हैं। जब वो डोर मार्केट में नहीं आएगी जिससे गले कटते हैं, और जो ओरिजिनल डोर जो हुआ करती थी कॉटन की डोर वही अवेलेबल होगी, तो फिर क्यों गर्जने करेंगे? बात भी सही है, लेकिन ये कि ये फंक्शन होते रहने चाहिए थे। अब वो आवर 2 बिलियन रुपए की इंडस्ट्री बन गई थी, ये सारा 2 बिलियन रुपया लाहौर में ही खर्च होता था ना, पाकिस्तान में ही खर्च होता था ना, और ये नीचे तक जाता था, जो चूड़ियाँ बेचने वाला है वो भी पैसे बनाता था, जो खाने पकाने वाला है वो भी, जो चाटें लगाता है उसका भी पैसा, जो कबाब लगाता है वो भी, कोई ये नहीं कि लाहौर में कोई टेंट लगाने वाला, कोई कपड़े वाला, कोई, अब तो आपको तो पता ही कि एक फैशन इंडस्ट्री भी साथ साथ उभरने शुरू हो गई थी, कि बसंत के इर्द-गिर्द हमने ये प्लानिंग की थी कि फैशन शो रखे हैं, और बसंत के हवाले से कपड़े वाले लग गए, बसंत के सॉन्ग्स आ रहे हैं, बसंत के हेयर स्टाइल्स आ गए, बसंत के गाने आ गए, सारे जितने भी आपके जो हैं टेलीविजन चैनल्स वो स्पेशल बसंत के प्रोग्राम्स करते थे, आर्टिस्ट पैसे, कौन, एवरी बॉडी ऑफ एवरी क्लास मेड यूज टू मेक मनी ऑन बसंत। दूसरी बात यह है बसंत की जो फेवर में जाती है कि बसंत एक फेस्टिवल है जो आप अपने घर में बैठ के मना लेते हैं, हर कोई अपनी अपनी छत पे चढ़ा होता है और उसका फेस्टिवल ऑन है, उसको कहीं पैसे खर्च के कोई DHA नहीं जाना पड़ता या किसी और जगह नहीं जाना पड़ता, कि वो पोग जो घर में पकता बच्चों ने गुड़ियाँ उड़ाई, सारा फैमिली छत पे चढ़ी, म्यूजिक लगा दी, कोई इंजॉय कर लिया, अच्छा दिन गुजर गया। इसका एक और भी हुआ है कि लाहौर में बहुत मसनूयत बनाता जा रहा है, वो जो चीज़ें हमारे जो फेस्टिवल्स होते थे, ईद मिलादुन्नबी, फिर उसके बाद ये बसंत के फंक्शन, और देखते देखते अब उसकी जगह पार्टियां आ गई हैं, हेलोविंस आ गई हैं, और ये सारे जो वेस्टर्न कल्चर है वो आता जा रहा है, ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है। आपको होता है? मुझे भी बहुत होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, पार्टियाँ तो आपके लिए बहुत होती हैं। मैं बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल पार्टीज, जिस तरह की पार्टीज मेरी नहीं होती, मेरी हमेशा पार्टीज होती हैं वो होती हैं जहाँ कोई आपको कोई म्यूजिक मिलेगी, या इसमें बसंत की पार्टी होगी या इस तरह की, मैंने नहीं कभी ये न्यू ईयर और वैलेंटाइन और ये लटरम पटरम, आई हैव नेवर डन दिस। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को खिला पिला के और उनके हल्ला गुल्ला लगा के मेला लगा के खुश होते हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ बैठी हुई है, और वो पहलू कौन से हैं वो हम ब्रेक के बाद खोलते हैं। कि वो चाहते, अब मुझे पुराने वक्तों में मुझे याद है जब लाहौर में डाका पड़ता था ना, शाम को हीरा मंडी के अंदर वो डाकू पकड़ा जाता था, क्योंकि उसने और जाना कहाँ है, उसने पैसे उसने लूटे हैं, उसने वहीं आके खर्च करने हैं।